नमस्कार विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मात्रक कैसे निकाला जाता है। मात्रक निकालने की विधि जो है आज के इस वीडियो में बताया जाएगा और मात्रक हमेशा के लिए आप सभी विद्यार्थी सीख लेंगे कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले यह सात मात्रक को आपको याद रखना पड़ेगा। पहला मात्रक है लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, जो तीव्रता, वैद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। ये टोटल सात मात्रा को पहले आपको याद रखना पड़ेगा। जब सात मात्रा का आपको याद हो जाएगा तब जाकर के मात्रक निकालेंगे। अब यहाँ लंबाई किससे नापेंगे, तो लंबाई को याद रखेंगे मीटर से नापेंगे। लंबाई किससे नापा जाता है, मीटर से। द्रव्यमान किससे नापा जाता है, तो किलोग्राम से मापा जाता है, किलोग्राम। और समय किससे नापा जाता है, किस समय को किससे, तो समय को जो है सेकंड से, किससे नापेंगे, सेकंड से। सेकंड हो जाएगा, समय का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, सेकंड। और ताप का मात्रक क्या होता है, ताप का मात्रक केल्विन होता है, ताप का मात्रक केल्विन। और जो तीव्रता का मात्रक जो होता है कैंडेला होता है, कैंडेला। और यहाँ पर लिखेंगे वैद्युत धारा, वैद्युत धारा का मात्रक जो होता है वह होता है एम्पियर होता है। वैद्युत धारा किससे नापेंगे, एम्पियर से। पदार्थ की मात्रा किससे मापेंगे, मोल से मापेंगे। यह पहले जो है यह सात मात्रक को आपको तैयार रखना पड़ेगा। जब ये सात मात्रक आप तैयार कर लेंगे तो आप पचासों मात्रक को निकाल सकते हैं। बस सीखना है कैसे मात्रक को निकाला जाता है। अब यहाँ लंबाई है, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। और एक दिमाग में ये भी नोट कर लीजिएगा हमेशा के लिए कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, औताप, ज्योति बता, वैद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, यह सात मात्रा को दिमाग में हमेशा के लिए क्या कर लीजिए, सेव कर लीजिए। अब जो है अगला मात्रक हमको निकालना, जैसे क्षेत्रफल है, आयतन है, घनत्व है, चाल है, वेग है। अब सबका मात्रक जो है सिखाया जाएगा क्रमशः। तो यहाँ पर याद रखेंगे लंबाई का जो मात्रक पढ़े हैं, लंबाई है, लंबाई के बाद से चौड़ाई है, चौड़ाई के बाद से जो है ऊंचाई है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, दूरी है, दूरी के बाद से यहाँ विस्थापन है, विस्थापन के बाद से जो है यहाँ पर आयाम है। ये सबका मात्रक जो होता है याद रखेंगे क्या होता है, मीटर होता है। सबका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। किसका किसका, लंबाई का, चौड़ाई का, ऊंचाई का, दूरी का, विस्थापन का और आयाम का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। और यहाँ पे याद रखेंगे द्रव्यमान का मात्रक क्या है, किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, वैद्युत धारा का एम्पियर, पदार्थ की मात्रा का मोल। ये टोटल जो है यह सातों याद रखना है। और इसको पूरा आपको याद रखिएगा कि मीटर किसका किसका मीटर होता है, लंबाई का, चौड़ाई का, ऊंचाई का, दूरी का, विस्थापन का और आयाम का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। अब यहाँ पे अगर क्षेत्रफल का मात्रक निकालना चाहते हैं कि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है या आयतन का मात्रक क्या होता है, तो अब यहाँ पे जो है क्षेत्रफल का मात्रक के बारे में समझ लेंगे। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, तो सबसे पहले अगर क्षेत्रफल का मात्रक निकालना है तो क्षेत्रफल का पहले सूत्र लिखना पड़ेगा। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। यह किसका सूत्र है, तो यह क्षेत्रफल का जो है सूत्र होता है। अगर क्षेत्रफल का मात्रक निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफल और यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफल का मात्रक, क्षेत्रफल का तो क्षेत्रफल का यहाँ लिखेंगे मात्रक हो जाएगा और इधर हो जाएगा बराबर हो जाएगा और लिखेंगे लंबाई गुणे क्या लिखेंगे, चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई का लिखेंगे यहाँ पर का मात्रक हो जाएगा। अब यहाँ पे लंबाई का मात्रक क्या होता है, तो लंबाई का मात्रक देख लेंगे, लंबाई का, चौड़ाई का, ऊंचाई का, दूरी का, विस्थापन का, आयाम का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। इसलिए लंबाई के पास क्या लिखेंगे, मीटर हो जाएगा
और चौड़ाई के पास क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, और मीटर में मीटर का गुणा कर देंगे तो क्या बनेगा, मीटर के ऊपर कौ घात हो जाएगा, दो घात हो जाएगा। इसको दो घात को क्या कहते हैं, वर्ग मीटर कहते हैं। दो घात को क्या कहेंगे, वर्ग मीटर कहा जाता है। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या आ गया, मीटर का स्क्वायर कह सकते हैं या दूसरा मात्रक कह सकते हैं वर्ग मीटर होता है। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में जरूर नोट करते भी चलिए, जिससे आपका एक नोट्स भी आपका बनता रहेगा। अगर हम आयतन का निकालना चाहते हैं कि आयतन का मात्रक क्या होता है, तो सबसे पहले जो है आयतन का यहाँ पे सूत्र लिखेंगे, और आयतन के सूत्र लिखने के बाद ही इसका मात्रक को निकाला जाएगा। तो अब यहाँ लिखेंगे आयतन, और आयतन बराबर सूत्र क्या होता है, तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, चौड़ाई गुणे क्या होता है, ऊंचाई होता है। यह किसका सूत्र है, आयतन का सूत्र है। अब दूसरे लाइन से लिखेंगे यहाँ पर आयतन का मात्रक, आयतन का मात्रक हो जाएगा, और आयतन का मात्रक बराबर हो जाएगा, और यहाँ क्या लिखेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, कोष्ठक बंद कर देंगे यहाँ पर, और यहाँ लिखेंगे का मात्रक, का मात्रक। अब यहाँ पर जो है लंबाई का मात्रक क्या होता है, तो लंबाई का मात्रक क्या बताया गया है, मीटर होता है। चौड़ाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, और ऊंचाई का भी मात्रक मीटर होता है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों का मात्रक मीटर है, तो इसलिए यहाँ मीटर गुणे, और यहाँ लिखेंगे मीटर गुणे, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। क्योंकि लंबाई को मीटर से मापते हैं, चौड़ाई को भी मीटर से मापते हैं, और ऊंचाई को भी मीटर से मापते हैं, तो मीटर 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 में जब गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, मीटर के ऊपर कितना घात होगा, तीन घात होगा, और तीन घात को हम लोग क्या कह सकते हैं, तीन घात को घन मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, घन मीटर, या घन मीटर भी कह सकते हैं, और मीटर का क्यूब भी कहा जाता है। तो आयतन का मात्रक भी समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको निकाला गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला मात्रा घनत्व का। अब घनत्व का मात्रक कैसे निकाला जाएगा, तो सबसे पहले घनत्व का सूत्र लिखना पड़ेगा। जब घनत्व का सूत्र मालूम रहेगा तभी जा करके आयतन का निकल पाएगा। यहाँ लिखेंगे यहाँ पर आयतन घनत्व का सूत्र होता है, घनत्व बराबर होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा क्या होता है, आयतन होता है। द्रव्यमान बटा क्या है, आयतन। यह किसका सूत्र है, कि यह घनत्व का सूत्र है। अब दूसरे लाइन में लिखेंगे यहाँ पर घनत्व का मात्रक, घनत्व का क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और इधर लिखेंगे द्रव्यमान बटा क्या होगा, द्रव्यमान बटा आयतन का जो है मात्रक हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे यहाँ पर का मात्रक हो गया। अब द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, तो द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वह किलोग्राम होता है। इसके पहले जो है सात मात्रक जो बताया गया था उसमें जो है द्रव्यमान का मात्रक बताया गया है, कि द्रव्यमान का मात्रक जो होता है वह किलोग्राम होता है। क्या होता है, किलोग्राम होता है, प्रति हो जाएगा, क्योंकि बटा को जो है आपको ऐसे लिखेंगे प्रति होगा, और बटा को क्यों तिरछा लिखा जाता है, क्योंकि यह मात्रक को एक ही लाइन में जो है लिख लिया जाए, इसलिए जो है मात्रक को जो है प्रति में लिखा जाता है, कि बटा को तिरछा कर देते हैं। और आयतन का मात्रक जो है आज ही अभी बताया गया है, क्या बताया गया है, मीटर के ऊपर कौ घात बताया गया है, तीन घात बताया गया है। तो अब क्या बन गया, किग्रा प्रति मीटर का क्यूब हो गया। यह किसका मात्रक आ गया, तो घनत्व का मात्रक आ गया, किग्रा प्रति मीटर का क्यूब आ गया। अब अगला हमारा जो मात्रक होगा, अगला मात्रक हम नोट करेंगे चाल का। अब चाल का मात्रक क्या होता है, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे चाल, और चाल बराबर होता क्या है, दूरी बटा क्या होता है, समय होता है। यह किसका सूत्र है, तो यह चाल का सूत्र है। अब दूसरे लाइन से लिखेंगे यहाँ पर चाल का मात्रक, चाल का क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे दूरी बटा क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय, कोष्ठक बंद कर देंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे यहाँ पर का
मात्रक हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है दूरी का मात्रक क्या होता है, तो दूरी का मात्रक जो होता है वह मीटर होता है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, और जो है बटा है तो बटा का प्रति हो जाएगा, और समय का मात्रक क्या होता है, तो समय का मात्रक सेकंड होता है। तो क्या बन गया, मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब दूरी जो देख रहे हैं, दूरी का मात्रक क्या है, मीटर है, तो मीटर हो जाएगा, और समय का मात्रक क्या है, सेकंड है, तो मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो चाल का भी मात्रक जो है समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग सीखेंगे वेग का मात्रक क्या होता है। तो वेग का मात्रक निकालेंगे, तो यहाँ सबसे पहले यहाँ लिखेंगे वेग का सूत्र क्या होता है। तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय होता है। क्या होता है, विस्थापन बटा समय होता है। यह किसका सूत्र है, तो वेग का सूत्र है। अब दूसरे लाइन से लिखेंगे वेग का मात्रक, क्या लिखेंगे, वेग का मात्रक हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और इधर लिखेंगे विस्थापन बटा क्या हो जाएगा, विस्थापन बटा क्या हो जाएगा, समय, और समय का क्या लिखेंगे यहाँ पर, का मात्रक हो जाएगा। तो अब विस्थापन का मात्रक क्या होता है, तो विस्थापन का मात्रक जो है देख सकते हैं यहाँ पर, विस्थापन का मात्रक क्या होता है, विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। तो विस्थापन के जगह पे क्या लिखेंगे यहाँ पर, मीटर हो गया, और समय का मात्रक क्या हो गया, सेकंड हो गया। तो क्या बन गया, मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो चाल का मात्रक और वेग का मात्रक दोनों का मात्रक एक बराबर होता है। चाल का भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड हुआ, और वेग का भी मात्रक क्या हुआ, मीटर प्रति सेकंड हुआ। अब अगला हम लोग जो पढ़ेंगे, अगला जो मात्रक होगा त्वरण का, बहुत आईएमपी मात्रक है त्वरण का। अब त्वरण का सूत्र क्या होता है, तो त्वरण का सूत्र होता है वेग परिवर्तन बटा क्या होता है, वेग परिवर्तन बटा समय होता है, वेग परिवर्तन बटा समय। अब दूसरे लाइन से लिखेंगे यहाँ पर त्वरण का मात्रक, क्या लिखेंगे, त्वरण का मात्रक हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और इधर लिखेंगे वेग परिवर्तन बटा, वेग परिवर्तन बटा क्या हो जाएगा, समय अंतराल, या समय भी लिख सकते हैं, और यहाँ क्या लिखेंगे यहाँ पर, का मात्रक हो जाएगा। अब यहाँ पर किसका मात्रक लिखना है, वेग परिवर्तन का। तो अभी हम लोग पढ़े हैं वेग परिवर्तन, मतलब वेग का ही मात्रक लिखा जाएगा। तो वेग का मात्रक क्या होता है, तो वेग का मात्रक मीटर प्रति क्या होता है, सेकंड होता है, और यहाँ पर लिखेंगे बटा, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। अब यहाँ सेकंड में सेकंड का जब गुणा कर लेंगे, तो जब सेकंड में सेकंड का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। तो यह मात्रक किसका आ गया, तो त्वरण का मात्रक आ गया, क्या आया, मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। यह किसका मात्रक है, तो मीटर प्रति सेकंड वेग का मात्रक होता है, और समय का मात्रक सेकंड होता है, सेकंड में सेकंड का गुणा हो गया तो बन गया सेकंड का स्क्वायर हो गया। तो यह मात्रक को भी क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब अगला हम मात्रक पढ़ेंगे बल का, बल का मात्रक क्या होता है। तो बल का पहले सूत्र लिखेंगे, बल बराबर क्या होता है, तो बल बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे क्या होता है, त्वरण होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। दूसरे लाइन से लिखेंगे यहाँ पर बल का मात्रक, क्या रहेगा, बल का मात्रक हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे द्रव्यमान गुणे क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणे त्वरण हो जाएगा। और यहाँ पे अगला लाइन लिखेंगे यहाँ पर का मात्रक, का मात्रक हो जाएगा। तो द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक आज ही बताया गया है कि द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम होता है, और त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर होता है। यह किसका मात्रक बन गया, तो यह बल का मात्रक बन गया, किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और दूसरा मात्रक याद रखेंगे, बल का दूसरा मात्रक होता है न्यूटन होता है, और तीसरा मात्रक जो होता है डाइन होता है, क्या होता है, डाइन। बल का मात्रक सुन लीजिए, न्यूटन भी होता है और क्या होता है, डाइन भी होता है। और एक न्यूटन में कितना डाइन होता है, यहाँ लिख लेंगे एक न्यूटन बराबर होता है 10^5 डाइन होता है। एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10^5 डाइन के
बराबर होते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा क्योंकि बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, कई बार ये कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एक न्यूटन में कितना डाइन होता है, तो एक न्यूटन में 10^5 डाइन होता है। तो आज के इस वीडियो में कुछ मात्रक के बारे में बताया गया है, अभी आपको 50 मात्रक को और बताना है। तो अगले भाग में जो है 50 मात्रक